नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ है सुरेश पासी जी, जिन्हें पप्पू पासी के नाम से भी जाना जाता है। ये जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और सुराव सुरक्षित विधानसभा से इनकी दावेदारी है। पप्पू पासी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका आपके पूरी टीम का जो है। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से राजनीति कितना कठिन या आसान है? राजनीति देखिए, पहले जो था पहले तो सही था, अब तो बहुत कठिन होता जा रहा है। वास्तविकता भी यह है कि समाज सेवा, जो राजनीति का नाम है समाज सेवा, जी, उस तरीके से लोग समाज सेवा कर नहीं पा रहे हैं। समाज सेवा वह है जो हमेशा जनता की निशुल्क सेवा की जाए, वह समाज सेवा है। जी, तो आपको लगता है कि ये आज के समय में ज़्यादा कठिन हो गई है? जी कठिन है, और खासतौर से ये भाजपा सरकार में तो बहुत ही कठिन हो गई है समाज सेवा। तो समाज सेवा नहीं हो पा रही है तो फिर राजनीति किस प्रकार रह गई है? राजनीति व्यवसाय लोग ये भाजपा समय में तो राजनीति व्यवसाय के लोग कर दिए हैं। अच्छा, आप पुराने नेता रहे हैं, आप बहुत अनुभवशील हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सपा सरकार जो जब सरकार में थी तब वो आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अब वो किस बिना पे ये बोलती है कि वो वापस सरकार बना लेगी? नहीं, सपा सरकार माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे जी, बहुत काम किए जनता के लिए, और उन्होंने जितना मुख्यमंत्री काल में माननीय अखिलेश यादव ने जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किया है जी, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया समाज के लिए, जो जी, किसी भी समाज के लिए, जनता के लिए जो उन्होंने किया किसी ने नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या क्या संभावनाएं हैं कि सपा वापस सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल, हम 100% माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे, निश्चित सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पप्पू पासी जी, मुझे ये बताइए कि सुराव विधानसभा से कई लोगों की दावेदारी है, गीता पासी जी हैं, सुषमा भारती जी हैं, सत्यवीर मुन्ना जी हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? मजबूत क्या, हम लगे हैं माननीय अखिलेश यादव जिसको टिकट देंगे, लगे तो कई लोग हैं, गीता पासी भी हैं, सुषमा पासी भी हैं, मुन्ना सत्यवीर मुन्ना जी भी हैं, पूर्व विधायक हैं जी, सब लोग लगे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको कह देंगे, हम लोग मिल करके उसको सुराव विधानसभा से विधायक बना करते हैं। पर आपको नहीं लगता कि इतने सारे जो दावेदार हैं, अगर इनमें से किसी एक को टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग गुटबंदी करने? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, गुटबंदी नहीं होगी। अच्छा। हम लोग तो बिल्कुल गुटबंदी के नहीं करेंगे, जो है माननीय अखिलेश यादव के निर्देशों पर जिसको भी टिकट मिलेगा उसको विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा। तो आप लोग सबका साथ देंगे? सबका साथ, जो भी प्रत्याशी बन के आएगा वो अखिलेश यादव बन के आएगा। अच्छा जी, आज अपना दल प्रदेश अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर जमुना सरोज जी, जी जमुना सरोज वो विधायक हैं और बीजेपी से भी उनका गठबंधन है, ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? सुराव में कोई काम नहीं हुआ है इस 5 साल में, सपा सरकार में जो काम हुआ था एक भी काम बता नहीं सकते हैं कि काम हुआ है। तो उन्होंने अपने पद के साथ सही न्याय किया है या उन्होंने यहाँ पे सुराव की जनता के साथ न्याय नहीं किया है उन्होंने? अच्छा, नहीं, तो उन्होंने अपने पद के साथ न्याय किया है आपके? नहीं किया, जब जनता के साथ नहीं न्याय किया तो पद के साथ क्या न्याय करेंगे? तो उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया? कोई विकास का काम नहीं। लेकिन जमुना सरोज जी का कहना है कि उन्होंने सराव में सड़कों का जाल बिछा दिया, स्कूल लगा दिए, उन्होंने काफी सारे काम, एक भी विद्यालय नहीं बने हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, कहीं भी कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया है जिससे समाज के लोग, लड़के पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके, उनको रोजगार मिल सके। तो आप जमुना सरोज जी के दावों को सिरे से नकार रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल, कोई हैंडपंप्स नहीं लगवाया, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम, सपा सरकार में वहाँ ITI बना, तमाम विद्यालय बने हैं, लेकिन इस समय तो कोई काम नहीं हुआ, एक भी विद्यालय नहीं बने। तो ऐसे में पप्पू जी, इस वक्त हमें ये बताइए कि सुराव की जनता की आप मुख्य समस्याएं क्या देख रहे हैं? सुराव की जनता की मुख्य समस्याएं वहाँ जल भराव है जी, शिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सुराव की जनता त्रस्त है, और खास तौर से लाइन ऑर्डर जिस तरीके से हत्या, बलात्कार, लूट हो रहा है, सुराव की जनता एकदम त्रस्त है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है जी। उत्तर प्रदेश की जनता तो त्रस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सुराव में खास स्थानीय मुद्दे क्या होंगे अगर आपको कुछ चुनने हो? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी देखिए वहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं ज्वलंत में, कई मतलब क्षेत्रीय मुद्दे बलात्कार के हैं, चोरी के हैं, डकैती के हैं, कई ऐसे हो गए हैं जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रहे, लोग त्रस्त है, परेशान है जी। आपको नहीं लगता कि सुरक्षित सीटों पर कभी भी लीडरशिप पनप नहीं पाती है जी? क्या आपको सुराव में भी यही चीज दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
तो आपके हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, जिसको माननीय अखिलेश यादव आदेश करेंगे उसको हम लोग चुनाव जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे माननीय अखिलेश। वर्तमान सरकार का ये कहना है कि उन्होंने सुराओं की जनता और खासकर के उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी सारा काम किया है, विकास का काम किया है, उन्होंने लोगों को रोजगार दिए हैं। आप इन दावों से कितने संतुष्ट हैं? जी, आप लोग पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जनता से ज्यादा बेहतर जान रहे हैं। पर आप जनता के नेता हैं। नहीं, नेता हैं, आप लोग से ज्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन आप बता दीजिए, पूरे भारत में जी, इस सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र की सरकार रही हो, सबसे ज्यादा युवा आज पूरे विश्व को निकाल के देख लीजिए, बेरोजगारी का जो परसेंटेज जो बढ़ा है कई गुना बढ़ गया है। अच्छा, 2022 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी आगे आ जाएगी या बीजेपी को 100% माननीय अखिलेश यादव ने कहा है 350+ हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। निश्चित है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बने अखिलेश यादव के नेतृत्व में। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पप्पू जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप सुराओं में कितने सक्रिय हैं और जनता का आपके प्रति क्या इस मामले में वो क्या सोचती है? आपको ये हम लोगों ने जाना है कि आप फाफामाऊ विधानसभा सीट से भी काफी सक्रिय रहे हैं जी, तो फिर ऐसे में आप कहाँ की जनता के लिए ये काम करना चाह रहे हैं? भाई, सुराव सुरक्षित सीट है जी, वहाँ से मैंने दावेदारी किया है जी, और सुराव ही हमारा मेन मतलब राजनीतिक वो है। हैं तो हम निवासी फाफामाऊ के, लेकिन चूंकि सुरक्षित सीट होने के कारण हमारा पूरा फोकस सुराव की जनता पे है। लोग से हमारा मिलना जुलना, हर आदमी के सुख दुख में आना जाना, लोगों के साथे उठना बैठना, सुख दुख में शामिल होना, ये हमारी नियति है जो है जी। पप्पू जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सपा और बसपा का गठबंधन टूटने की वजह से आजकल विपक्ष का मनोबल काफी कमजोर हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी अपने बलबूते पे माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अगर सुराओं की जनता आपको विधायक बनाती है तो ऐसे में आप सुराओं की जनता के लिए सुराओं के क्या मुद्दे सदन में उठाएंगे? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। पहली बात तो वहाँ कताई मिल है जी, जो वहाँ बुनकर हैं उनके लिए बिजली का काम है, वहाँ जो कताई मिल बंद है उसको चालू कराने का काम, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कराना और तमाम ऐसे बेरोजगारी, जो बेरोजगार मेरा सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है इस सरकार में अखिलेश यादव के, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, निश्चित है कि वहाँ के युवाओं का रोजगार, पढ़ाई लिखाई की जो उच्च व्यवस्था है वो करने का हम काम करेंगे जी। आजकल राजनीति ये देखा गया है पप्पू जी कि सोशल मीडिया के दायरे में सिमट के रह गई है, तो आपके हिसाब से क्या जमीन पे काम जरूरी है? नहीं, या सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल, जमीन पे काम जरूरी है। सोशल मीडिया, घर में बैठ करके लोग सोशल मीडिया पर जो राजनीति कर रहे हैं उससे ना हमारी पार्टी का भला होने वाला है ना समाज का भला होने वाला है। अच्छा, इस पे जनता के बीच में जा करके काम करने से ही लोगों का भला होगा और हमारी पार्टी का भी भला होगा। पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि सपा ही अपने कई सारे जो कार्यक्रम है और जो भी है सारी के सारी राजनीति वो अपना सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग गांव में जा रहे हैं, हम लोग तो गांव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जमीनी हकीकत जान के रहे हैं, जमीन पे जुड़ के काम करने का हमारा जो लक्ष्य है, जमीन से जुड़ कर काम करने का लक्ष्य है जी। सुराओ विधानसभा के लिए इस बार सपा की तरफ से आपकी क्या रणनीति होगी? डोर टू डोर। अच्छा, हर समाज से जोड़ना, हम लोग को जोड़ करके सीट जीतना हमारा मेन लक्ष्य होगा और जिससे किसी भी हर वर्ग के लोगों को जोड़ना हमारा पहला लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी से जोड़ना। अच्छा पप्पू जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके आगे सारी और सबकी राजनीति फेल हो जाती है? नहीं, ऐसे में आप कैसे निपटने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की राजनीति सब जान गए हैं, एक बार छला जा सकता है, दो बार छला जा सकता है, ज़्यादा दिन तक जनता को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता, छला नहीं जा सकता। योगी जी सिर्फ कहना कुछ और है, करना कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही स्थिति है। अच्छा, लोगों को 10 किलो 15 किलो 20 किलो आटा गेहूं चावल दे करके लुभा रहे हैं, अब उनका कोई भी काम धरातल पे आने वाला नहीं है, जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जो युवा बेरोजगार है वो जान गया है इनके छलावे को, वो रोजगार चाह रहा है
और वो रोजगार माननीय अखिलेश यादव के अलावा कोई दे नहीं सकता। चलिए अगर ये मान लिया जाए कि आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसे में सुराव की जनता के लिए आपका पहला काम क्या होगा? रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब ये मुख्य मुद्दे यही होंगे, इनके लिए उपलब्ध कराना मेरा पहला कर्तव्य होगा और जो वहाँ रोजगार जो बंद पड़े हैं मवायमा में उनको चालू कराना मेरा पहला लक्ष्य होगा। अच्छा, अंत में सुरेश पासी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुराव की जनता के लिए आपका संदेश क्या होगा? संदेश यही है कि सब एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में साइकिल का बटन दबा करके योगी जी को भगाने का मठ में जाने का काम करें। मेरा यही संदेश है कि अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, यह देश तभी यह प्रदेश खुशहाल होगा और यहाँ के युवा रोजगार पाएगा। शिक्षा, चिकित्सा की सारी सुविधा अखिलेश यादव के अलावा कोई दे नहीं सकता। सुरेश पासी जी, आपका हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ थे सुराव सुरक्षित विधानसभा सीट से दावेदारी किए हुए सपा के सुरेश पासी जी, जिन्होंने हमें सुराव की राजनीति के बारे में कई सारी बातें बताई। ऐसे ही कई अन्य दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।